नमस्कार। सो विवेक गुप्ता, करियर काउंसलर, करियर मेंटर, और ये एक जनरिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वैसे तो देखिए दिसंबर एंड का टाइम है, शायद 3 महीने बाद देना ज़्यादा उपयुक्त होता, लेकिन अभी देना भी ठीक है। और ये है जो मैं कई बार समझाता हूँ, लेकिन आप लोगों को फिर भी मेरा फ़र्ज़ है दोबारा बताना। इट इज़ रिगार्डिंग सेम नेम डिफरेंट कैंपस एंड एब्सोल्यूटली डिफरेंट वैल्यू। तो समझते हैं पहले बात को। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्वियस है, तो हम सभी जानते हैं कि आई एम अहमदाबाद नंबर 1, लेट से MBA से टूटे इंडिया का, आई एम बेंगलोर नंबर 2, जबकि मेरे जो एलुमनाई दोस्त हैं बेंगलोर से, वो हमेशा नाराज रहते हैं कि विवेक दुनिया भर के सर्वेज में आई एम बेंगलोर नंबर 1 पे आता है, पर तू खुद आई एम बेंगलोर का हो के आई एम अहमदाबाद को नंबर 1 कहता है। पर ठीक है, उस पर झगड़ा नहीं करेंगे फिलहाल, पर ये मान लेते हैं चलो पहले 3 आई एम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता हो गया, ये तो सबको मालूम है ना। तो आप में से कोई नहीं कहता कि आई एम जम्मू, आई एम अहमदाबाद के बराबर है, या आई एम अमृतसर, ये सबको मालूम है। या कोई नहीं कहता हम में से कि IIT मंडी IIT दिल्ली के बराबर है, या IIT जोधपुर IIT मुंबई के बराबर है। वी आर वेरी क्लियर अबाउट दैट, राइट? लेकिन समहाउ जैसे हम इससे अगले लेवल पे आते हैं ना, हमारी ये क्लैरिटी ख़त्म हो जाती है। तो शायद बस मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको याद दिला रहा हूँ, आप सबके भले के लिए, तो इससे जेनरिक करियर काउंसलिंग वीडियो, कि जिस तरह हमें टॉप का डिफरेंस मालूम है, जिस तरह हमें ये मालूम है कि एम्स दिल्ली और एम्स ऋषिकेश और एम्स देवघर सेम नहीं है, IIT दिल्ली और IIT पटमंडी सेम नहीं है, वो सेम क्यों नहीं है? नाम तो दोनों में IIT है, शायद IIT मंडी की बिल्डिंग IIT दिल्ली से ज़्यादा है, IIM मंडी के जो प्रोफेसर्स हैं शायद वो IIT दिल्ली से इस समय एज ऑफ टुडे शायद मोर एक्सपीरियंस्ड, मोर क्वालिफाइड, बेटर हायर किए गए होंगे। शायद IIT मंडी का जो डायरेक्टर साहब हैं वो IIT दिल्ली से ज़्यादा चीते और ज़्यादा एक्टिव होंगे। फिर भी IIT दिल्ली ऊपर क्यों है? क्योंकि हम हमेशा भूल जाते हैं एजुकेशन की दुनिया में ना एक और फैक्टर भी होता है, वो होता है स्टूडेंट क्वालिटी। ये स्टूडेंट हैं या आप हो जो कि एक इंस्टीट्यूट को क्वालिटी बनाते हो, जहाँ टॉपर बच्चा जाता है वही इंस्टीट्यूट टॉप हो जाता है, क्योंकि टॉपर बच्चा, स्कॉलर बच्चा डिफरेंट तरीके से सोचता है। तो 700 नंबर नीट में लाने वाला या JEE मेन में 99% लाने वाला डिफरेंट होता है ना नीट में 300 नंबर लाने वाले से, और वो डिफरेंट होता है नीट में 200 नंबर लाने से। तो ठीक है, प्राइवेट कॉलेज के ज़माने में हम पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वो बच्चे का डिफरेंस तो रहेगा ना। मानता हूँ मैं कि कभी कभार बैड लक हो जाती है एग्ज़ाम वाले दिन, बट हम जनरली से बात कर रहे हैं, उस पर जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस वीडियो का मुद्दा क्या है, क्योंकि हम ये समझते हैं, तो इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट्स हु मेक्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूट, नॉट ओनली द ग्रेट फैकल्टी एंड द ग्रेट बिल्डिंग। यही फ़र्क होता है कि चूँकि सारे टॉपर्स हर साल एम्स दिल्ली में जा रहे हैं, तो एम्स दिल्ली कंटिन्यूज टू बी दी टॉप इंस्टीट्यूट। या सारे कैट के टॉपर IIM ABC में जा रहे हैं, जिस 5 साल अगर लगातार कैट के सारे टॉपर्स IIM जम्मू या IIM अमृतसर को ले लें किसी भी वजह से, या IIM सिरमौर को ले लें, या काशीपुर को ले लें, तो 6 साल बाद हमें दिखेगा कि IIM जम्मू विल बिकम दी नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मैंने कहा ना कि आई एम श्योर कि मेरे IIM बेंगलोर के फैकल्टी से सुन के नाराज़ हो रहे होंगे, लेकिन जो सच है वो सच है। अब इस कॉन्सेप्ट का आपके लिए क्या फ़ायदा है? वो फ़ायदा यही है कि जब भी आप अपना नेक्स्ट करियर डिसाइड कीजिए, वो मैंने इसलिए बोला कि मेरे पास एक्चुअली एक सेशन के लिए फ़ोन आया था, तो वही कह रहा कि सर ये VIT वेल्लूर और भोपाल और बेंगलोर में क्या फ़र्क है? तो मैंने कहा भाई सारे टॉपर्स हैं ना, वो सबको पता है कि VIT वेल्लूर बेस्ट है, ऑफकोर्स आफ्टर IITs। आप जब NIRF रैंकिंग देखते हो तो VIT वेल्लूर लिखा होता है, जो कि टॉप 20 में आता है इंडिया के, वो VIT नहीं लिखा होता। मेडिकल में CMC वेल्लूर अलग है, CMC लुधियाना अलग है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट का स्ट्रक्चर सेटअप अलग है ना, सिर्फ नाम से सेम नहीं होता। ये मैं आप लोगों को कई बार समझाने की कोशिश कर चुका डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। तो जब आप चूज़ कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि VIT का नाम VIT वेल्लूर है, और वो VIT एज ए मैनेजमेंट बेचारे पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि VIT भोपाल को VIT वेल्लूर जैसा बनाना है, VIT बेंगलोर को, और शायद मैंने कहा ना कि वो VIT वेल्लूर से फैकल्टीज़ भेज देंगे, उन्होंने बिल्डिंग नहीं बना दी होगी, लेकिन वो बच्चे कहाँ से लाएंगे? क्योंकि आप जिसके नंबर कम आ गए आप तो VIT भोपाल ले रहे हो, लेकिन जो टॉपर्स हैं ना, जो JEE में टॉप 90% वाले, उनको मालूम है कि भैया असली चीज़ क्या है। तो उनको मालूम है कि हमें IITs में जाना है या हमें NITs में जाना है, और उसके मुकाबले वो VIT वेल्लूर की सीट लेते हैं, वो भी 2 लाख रुपये फ़ीस वाली, 6 लाख वाली फ़ीस नहीं लेते हैं, राइट?
उससे बेटर फिर वो दिल्ली का बल्कि आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस ले लेंगे, महाराज अग्रसेन या महाराजा सूरजमल, दे बिकम बेटर देन इन सम सेंस अगर आपको मौका मिलेगा vis-a-vis टू गो टू द मैनेजमेंट सीट ऑफ VIT वेल्लोर एंड डेफिनेटली बिकम्स बेटर देन द VIT भोपाल और VIT बैंगलोर, क्योंकि वो स्टूडेंट्स भी तो वहाँ पर उसी लेवल के जा रहे हैं ना, तो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो वैसा चल रहा है। और समस्या ये है कि ये बात कंपनियाँ भी जानती हैं, ये बात रिक्रूटर भी जानते हैं, तो रिक्रूटर्स को मालूम है कि आई एम अहमदाबाद में टॉपर गए थे 2 साल पहले, तभी तो सारी जो टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं McKinsey BCG टाइप के जो ब्रांड होते हैं वो आई एम अहमदाबाद बैंगलोर कलकत्ता ही जाते हैं ना, वो आई एम अमृतसर जाते ही नहीं हैं। या इंजीनियरिंग में गूगल फेसबुक जैसे जो आप $1 बिलियन जो आप ये 200 सुनते हो कि 2 करोड़ का पैकेज लग गया, ये लोग IIT दिल्ली मुंबई चेन्नई खड़गपुर कानपुर ही जाते हैं ना, या IIIT दिल्ली जाने लगे या NIT सूरतकल, वो क्यों नहीं, या DTU NSUT वो क्यों नहीं जाते IIT मंडी या IIT जोधपुर, क्योंकि उनको मालूम है कि जो इनपुट था बच्चों का वो IIT दिल्ली में क्या था और IIT जोधपुर में क्या था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, IIT जोधपुर छोड़िए, एक लोकल कॉलेज से भी पढ़ के आप गूगल के CEO बन सकते हो, वो बातें अलग हैं, बट अभी हम बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं कि जब आप चूज़ कर रहे हो और आप एक ब्रांड चूज़ कर रहे हो, जो मैं हमेशा समझाता हूँ जो मेरे पास आते हैं कि ब्रांड जो होता है कॉलेज का वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहता है, और वही आप कोशिश करते हो ना कि बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जाने की, ताकि अदर देन दी बेस्ट एजुकेशन एंड मे बी दी स्टार्टिंग बेस्ट प्लेसमेंट यू ऑल्सो गेट दी बेस्ट कलीग्स, क्योंकि जो आपके साथ के जो बाकी बच्चे हैं वो भी टॉप स्कॉलर्स हैं। और इसी वजह से कभी कभार हमारे जब नंबर कम आते हैं तो हम मैनेजमेंट सीट्स लेते हैं उन कॉलेज में जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है, तभी वो VIT वेलूर की मैनेजमेंट सीट चलती हैं। मैं एग्जांपल के बाबा VIT का नाम ले रहा हूँ, कोई मेरा VIT से वो नहीं है, या PS जो मतलब बेंगलोर का हो गया, PSU यूनिवर्सिटी या मणिपाल हो गया, जहाँ पर भी देखिए एक्सपेंसिव सीट्स हैं वहाँ लोग इसलिए जाते हैं ना कि चलो उससे तो बेटर मिलेगा जो कि एक टिपिकल गांव के या छोटे शहरों के इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं। तो इसलिए हम इतना खर्चा भी करते हैं कि उसी स्टार्टिंग प्लेसमेंट की उम्मीद में, उसी स्टार्टिंग उसी अच्छे एटमॉस्फेयर की उम्मीद में और उसी कलीग्स की उम्मीद में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जनरल एडवाइस आप सबके लिए कि कैंपस का फ़र्क रहता है, तो IIM का सिर्फ नाम होने से सारे IIM सेम नहीं हैं, सिर्फ IIT का नाम मिलने से सारे IIT सेम नहीं है। आज भी DTU NSUT छोड़िए, महाराज अग्रसेन पीतमपुरा की रेपुटेशन काफ़ी IIT से बेटर है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस ब्रांच। कुछ लॉ कॉलेजेस लोकल ऐसे हैं जिनकी रेपुटेशन नेशनल लॉ स्कूल से बेटर है, तो बेसिकली जहाँ पर टॉपर बच्चे जा रहे हैं, और वो बातें ना सबको पता होती हैं कि क्या चल रहा है, जब तक वो टॉपर वहाँ जाते रहेंगे तब तक वो कॉलेज की रेपुटेशन वैसे ही बनी रहेगी, क्योंकि वो जो टॉपर होते हैं वो जनरली मेहनती बच्चे होते हैं, मतलब बारिंग एक्सेप्शंस, उन्होंने वहाँ जाके मेहनत करनी है, उन्होंने फ्यूचर में भी मेहनत करनी है, लाइफ टाइम मेहनत करनी है, और वो जो लाइफ टाइम मेहनत करते हैं उसका प्रभाव है वो ज़िंदगी भर उस इंस्टीट्यूट को भी फ़ायदा होता है ना, क्योंकि आप हमेशा अखबार में सुनते हो फलाना बच्चा फ्रॉम IIT दिल्ली, तो आप अगला पेरेंट भी सोचते हैं मैं भी अपने बच्चे को IIT दिल्ली भेजूँ, IIT मुंबई भेजूँ, अहमदाबाद बैंगलोर कलकत्ता भेजूँ, नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर भेजूँ वगैरह वगैरह वगैरह, निफ्ट मुंबई भेजूँ, निफ्ट बैंगलोर भेजूँ, ये पॉपुलर कोर्स हैं 12th के बाद, राइट। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, और आपको हेल्प होगी जब आप अपना करियर डिसाइड कर रहे हैं कि ब्रांड मेक्स अ डिफरेंस। NIF रैंकिंग में भी मैं ये नहीं कहता कि वो 100% ठीक होती हैं, और उसमें भी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन आपको एक ना सिग्नल मिल जाता है, तो कुछ नाम देख के आपको पता चल जाएगा कि ये नाम तो पक्का ही किसी दूसरे रास्ते से पहुँच गए हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन भी होते हैं। जैसे मैंने कहा कि समटाइम्स यू गेट दी पर्सपेक्टिव कि वो VIT वेलूर तो टॉप 20 में है, लेकिन VIT के बाकी दोनों कैंपस तो लिस्ट में भी कहीं नहीं है, क्यों नहीं है, जब मणिपाल ब्रांच ऊपर है, जयपुर उसके नीचे अलग से है ना, या अमेठी भी अगर लिस्ट में लिखा हुआ है तो पर्टिकुलर ब्रांच लिखी होगी, ऐसा नहीं लिखा होगा अमेठी यूनिवर्सिटी इंडिया में, उनके पता नहीं, मैं तो अकाउंट भी नहीं याद कितने कैंपसेज हैं, क्योंकि या IIT के नाम अगर लिखे हुए हैं तो साथ में कैंपस लिखा हुआ है ना, सिर्फ एक शब्द तो लिखने नहीं दिया IIT, या मैनेजमेंट कॉलेजों में तो लिखते नहीं IIM, सारे IIM बराबर हैं, है कि नहीं। तो जब NIRF रैंकिंग वाले भी जो भी रैंकिंग निकालता है वर्ल्ड में इंडिया में सब कैंपस के हिसाब से देते हैं ना, तो वो ब्रांड नेम हर जगह सेम नहीं होता, इस बात को समझिए, यही समझ आपको हेल्प करेगी अपना करियर चूज़ करने में। और इसी तरह के इंसाइटफुल डिस्कशंस, इंसाइटफुल काउंसलिंग आपको चाहिए तो आप जानते ही हैं हमारा नंबर 9633-623-20, कॉल कीजिए, आप किसी भी एजुकेशन के लिए करियर काउंसलिंग के लिए सेशन बुक कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, फ़ोन उठाया जाता है,
फ़ोन पे 30 सेकंड 1 मिनट बात की जाती है, लेकिन आपको लंबी बात करनी है, एक्चुअली सेशन लेना है, तो इट इज़ ऑलवेज अ पेड सेशन, और वो प्राइसेस आपको फ़ोन पे बताई दिए जाते हैं। यही नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, 9643362320। और आप, आई होप कि आई अगेन समराइज दिस वीडियो कि सब IIT सेम नहीं, सब एम सेम नहीं, सब IIM सेम नहीं, सब नेशनल लॉ स्कूल सेम नहीं, सब निफ्ट सेम नहीं, सब NID सेम नहीं, तो सिमिलरली सारे मणिपाल सेम नहीं, सारे अमेठी सेम नहीं, सारा VIP सेम नहीं, सारे VIT सेम नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डिसाइडिंग योर फ्यूचर करियर पाथ। ओके, हैव अ नाइस डे। और आपको लगता है वीडियो दूसरों को भी सुनना चाहिए तो लाइक शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्तों के पास पहुँचे, और कमेंट डालिए अगर आप चाहते हैं कुछ आपको फीडबैक देने इस वीडियो के बारे में, जनरली मेरे वीडियोस के बारे में। आई वुड लव टू इम्प्रूव माई सेल्फ इवन टुडे, नो प्रॉब्लम। एंड हाँ, पेड सेशन चाहिए तो यू हैव टू पे। ओके, हैव अ नाइस डे वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।